सो गाइज, आर यू रेडी टू सी द फाइनल आउटपुट? 1, 2, 3. तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल. तो आज है 26 तारीख और अभी बज रहे दोपहर के कुछ एक, और कल मैं गया था कपड़े लेने के लिए. तो कल ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी मेरे को, तब भी मैं चला गया क्योंकि कपड़े लेने की एक्साइटमेंट थी, पर ज़्यादा कुछ मैंने लिया नहीं क्योंकि अभी अभी सीज़न ये ख़त्म हो रहा है, ठंडी आ रही है, तो ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं था, नया कलेक्शन अभी नहीं आया था, ज़्यादा कुछ मैंने लिया नहीं. पर जो भी लिया वो पहले आप जाके देख लो कल, और फिर आओ तो आज की कहानी आपको सुनाते हैं. सो गाइस, तो अभी हम आए हुए थे मॉल में, अभी मॉल में ही मैं हूँ, तो मैं छुप के किसी तरह ब्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि कोई देख लेगा तो फिर मना कर देगा. तो मैं अभी मॉल में है, तो मैंने एक शर्ट लिया और एक हुडी लिया. ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, ज़्यादा कलेक्शन आया नहीं है, नया कलेक्शन जो भी है उसी में से मैंने लिया. तो अब देखते हैं इसे ट्राई करके, ट्रायल रूम अगर खुला होगा तो देखते हैं ट्राई करके. सो गाइस, तो ये हुडी लिया है मैंने, और जो कि ब्लैक कलर में है. इसका कैप भी बहुत ही ज़बरदस्त है. तो ये थोड़ा हटके कलर है ये, और इस पर जो प्रिंट है वो भी थोड़ा हटके है. इसमें पॉकेट नहीं है, पर सही है, जो भी है अपने को पसंद आ रहा है, अपने को थोड़ा सा हटके ही पहनना पसंद है. तो ये हुडी लिया है मैंने, और एक शर्ट लिया है तो ही मैं दिखाता हूँ आपको. सो गाइस, तो ये शर्ट लिया है मैंने जिस पे ये कैमल फ्लेक प्रिंट है, पर वो मिलिट्री कलर में नहीं है, ये रेड कलर में है, जो कि बहुत ही सही लग रहा है. मैं इसे पेयर करूँगा ब्लैक जीन्स के साथ और बहुत मस्त लगेगा ये. तो गाइस, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता था कि मुझे जीन्स भी लेना था, पर कोई जीन्स मुझे पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि नया कलेक्शन नहीं आया. और यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया है क्योंकि गाने चल रहे थे बैकग्राउंड में, और कॉपीराइट लग जाता तो वैसे भी हमारा नया चैनल, और कॉपीराइट लग जाएगा तो फिर बेकार हो जाएगा, इसीलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया. बस यही बस. तो गाइस, यहाँ पर मैं सारे जीन्स दिखा रहा हूँ कि कोई भी जीन्स अच्छी नहीं है, सिर्फ चीनोज मिल रहे हैं यहाँ पर, और कोई जीन्स अच्छी नहीं है. तो मैंने सोचा कि बाद में अब जीन्स लेंगे और बाद में फिर शॉपिंग करने आएंगे तो उसका व्लॉग बनाए. सो गाइस, तो कुछ भी है नहीं यहाँ पे लेने के लिए यार. मैं सोच रहा हूँ क्या ब्लॉग बनाऊँ, छोटा सा ब्लॉग बन रहा है, ज़्यादा ब्लॉग बन नहीं पा रहा है, तो कोई मतलब है नहीं यहाँ पे. और कुछ पसंद आता तो आपको दिखाते भी और वो लेते हम, लेकिन ऐसा कुछ पसंद आ ही नहीं रहा. लेकिन हम फिर से आएंगे, छठ के पहले आएंगे फिर से हम, तो उस समय कुछ लेंगे. हाँ जी, तो कल शॉपिंग से लौटने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई रात को, और फिर सुबह में मेरे को उठने को थोड़ा ही मन नहीं हो रहा था, पर थोड़ा बहुत जब मुझे ठीक लगा तो लेट से ही सही, पर मैं उठा सो के, और 9 बजे कुछ आसपास उठा मैं. और उठने के बाद से ये ब्लॉग शुरू करना था मुझे बहुत पहले ही, पर ये लेट से स्टार्ट हुआ क्योंकि आज मेरा हेयर केयर डे भी था, तो ऑयलिंग शैम्पू वगैरह इन सब में टाइम ख़त्म हो गया, इसी वजह से खाना वाना खा के सब कुछ ख़त्म होने में इतना लेट हो गया. तो अभी से स्टार्ट करते हैं. तो आज हम करेंगे अपना बैकग्राउंड को चेंज, क्योंकि मुझे भी पता है आप लोग बोर हो चुके हो इस बैकग्राउंड को देख देख के, मैं खुद बोर हो चुका हूँ इस बैकग्राउंड को देख देख के. तो मैंने सोचा कि आज बैकग्राउंड चेंज करते हैं. तो जब बैकग्राउंड चेंज करने की बारी आई तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ इस रूम में, फिर मेरी नज़र गई अपने पुराने कैरम बोर्ड पे. तो जब वो नया नया आया था तो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उसे खेलने की, हम उसे खूब खेलते थे. लेकिन अभी वो 4-5 सालों से ऐसे ही कोने में पड़ा हुआ है, धूल मिट्टी खा रहा है. किसी दिन 6-7 महीने पर कभी मन होता है तो एक बार निकाले खेल लेते हैं, फिर उसे वैसे ही फेंक देते हैं. तो मैंने सोचा उसको ऐसे तो काम आ नहीं रहा है, तो उसे हम यूज करते हैं अपने रूम के डेकोर में. जब मैंने कैरम बोर्ड को देखा तब मेरे दिमाग में आया कि इस दीवार को ऐसा बनाया जा सकता है कैरम बोर्ड की मदद से. तो अब करेंगे क्या उसमें हम, तो अभी हम इस वाले दीवार पे कैरम बोर्ड को लगाएंगे और उसके किनारे किनारे लाइट्स लगाएंगे, जिससे कि थोड़ी अच्छी खासी लाइटनिंग हो जाएगी और काफी अच्छा भी लगेगा वो बैकग्राउंड में. तो अब मैं ज्यादा बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो उससे अच्छा है मैं करके दिखाऊंगा जब आप, तो मैं आपको दिखाऊंगा वो, आप देखना कैसे कर रहा हूं मैं, जो कि बहुत सही लगने वाला है. सो गाइस, तो हमारे पास ये रहा कैरम बोर्ड. तो कैरम बोर्ड हमारे पास आ चुका है, अब कैरम बोर्ड को हमें इस दीवार पर लगाना है. तो अब इसे कैसे हम लगाते हैं वो देखते हैं. तो पहले हम सबसे पहले कील ठोकनी पड़ेगी यहाँ पे, जिसपे हम कैरम बोर्ड को लटकाएंगे. तो सबसे पहले अब कील ठोकते हैं हम, तो प्लस चाहता उसके लिए कील है मेरे पास. सो गाइस, यहाँ पे कील ठुक चुकी है और अब इस पे क्या करेंगे, अब इस पे हम कैरम बोर्ड को लटकाएंगे. और तो कैरम बोर्ड को लटकाते हैं. अब कैरम बोर्ड लटकाने के बाद इस पे किनारे किनारे लाइट लगाएंगे. तो लाइट लगाने में मेरा हेल्प करेगी मेरी सिस्टर. तो अब लाइट लगाने का काम शुरू करते हैं. अब सीधा आप, अब मिलते हैं आपसे कैरम बोर्ड लटकाने, लाइट वाइट लगाने के बाद जब भी अब. सो गाइस, तो कैरम बोर्ड लग चुका है, अब लास्ट बारी है बस, अब लाइट लगाना है. इस पे टेप किनारे किनारे लगाएंगे हम, लाइट लगाते हैं. बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है मेरे को, फिर वीडियो एडिट भी करनी है. तो अब जल्दी जल्दी काम करते हैं हम और अब लाइट लगाते हैं.
सो गाइस तो हमारा ये लाइट लग चुका है कैरम बोर्ड के चारों तरफ और ब्लू लाइट भी है मेरे पास, लेकिन ब्लू लाइट मैं अभी नहीं लगा रहा हूँ, मैं उसे लगाऊंगा जब अपने फोटो फ्रेम्स करा के दूसरे दीवार पे फिर उसे कस्टमाइज करेंगे दूसरे दीवार को तब लगाऊंगा। तो ऐसे ही तो कैमरा इसे जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन अब पता चलेगा जब मैं व्हाइट लाइट बंद करूंगा। तो हाँ, अब आपको दिखाई दे रहा होगा क्या खूबसूरती आ रही है इसकी, और वैसे बैक कैमरे से भी दिखा देता हूँ आपको। सो गाइस तो कुछ ऐसा लग रहा है ये, जैसे कि देख सकते हो, और ये वायर इधर गई है और इधर प्लग में लगी हुई है। तो अब वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये भी हमारा एक बैकग्राउंड हो गया जिसमें कि हम आराम से जिस तरफ से ब्लॉक कर सकते हैं। सो गाइस तो लाइट सेटअप हो चुका है और आज का वीडियो हम इसी फ्रेम में खत्म करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, और लाइक बटन दबा दिया मतलब वीडियो अच्छी लगी है। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो सिर्फ वीडियो देख के चल जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है, सब्सक्राइब करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस तो वीडियो को खत्म करने के बाद आज दूसरा दिन है, मैंने अभी वीडियो एडिट नहीं किया, अभी अपलोड नहीं किया था। तो फिर मैंने इस दीवार को ध्यान से जब नोटिस किया तो देखा कि इधर की दीवार कुछ ज़्यादा ही सूनी लग रही है। इधर की दीवार तो अच्छी लग रही है लाइट लगाने के बाद, लेकिन इधर की दीवार बहुत ज़्यादा सूनी लग रही है। और फिर ब्लू लाइट हमारे पास पड़ा भी था, तो मैंने क्या सोचा कि अब इस ब्लू लाइट को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे इस दीवार पर टेप की मदद से, तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मैंने सोचा कि उसको भी इसी ब्लॉग में कंबाइन करते हैं। देखो बाल भी बिगड़े हुए हैं क्योंकि अभी दूसरा दिन है सो के उठाऊँ, तो मैंने सोचा कि अब इसमें भी उसको लगा ले रहा, अभी मैंने शावर वगैरह नहीं लिया इसीलिए बाल उसका बेकार है। तो मैंने सोचा कि उस पार्ट को भी इसी वीडियो में डाल देते हैं, भले ही थोड़ा लास्ट में डाल देंगे। तो उसको मैंने पूरा नहीं रिकॉर्ड करूँगा, मैं सिर्फ शुरू का जब मैं लगाऊँगा और फिर जब पूरा हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊँगा, तो उसको दिखाता हूँ। अभी लगाते हैं हम उसको उस दीवार पर। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज आर यू रेडी टू सी द फाइनल आउटपुट? इतने पसीने बहाने के बाद, इतने मेहनत करने के बाद तो जो रिजल्ट आया है वो है 1, 2, 3 टंटाड़ा। सो गाइज तो ये कैमरा नहीं जस्टिफाई कर पाया कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है अभी, ये बहुत ही सही लग रहा है, पहले से तो बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। ये दीवार इतना खाली पड़ा हुआ था, इतना गंदा दिख रहा था, अभी ये बहुत ज़्यादा सही दिख रहा है। कैरम बोर्ड को देखो कितना सही दिख रहा है। वैसे तो ये कैरम बोर्ड खेलने के यूज़ में नहीं आया, पर रूम डेकर के यूज़ में आ गया, तो काफ़ी सही लग रहा है अभी ये। सो गाइस तो अब से हमारा बैकग्राउंड भी अब चेंज हो सकता है। तब हम इस बैकग्राउंड में भी शूट कर सकते हैं, इस बैकग्राउंड में, और
इस बैकग्राउंड में भी शूट कर सकते हैं, दोनों ही बैकग्राउंड में हम शूट कर सकते हैं, तो काफी सही लग रहा है। तो अब हम इस ब्लॉग को प्रॉपरली एंड करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ लाइक माई वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, और लाइक बटन दबा दिया मतलब वीडियो अच्छी लगी है, बहुत मेहनत लगी है इसे करने में, तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।